दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से हलचल मची है। ये नया वेरिएंट लगातार तेजी से अलग अलग देशों में अपने पांव पसारने के साथ भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार सतर्क हो गई है। वहीं इस दिशा में ICMR भी काम कर रहा है। ICMR के मुताबिक देश में तीसरी लहर आएगी, लेकिन वो ज्यादा पीक तक नहीं जाएगी। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन ज्यादा नहीं फैला है। हमने जो वैक्सीन बनाई है, हमें वो ज्यादा से ज्यादा लगानी है। ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है जो कि पहले भी अलग अलग नाम से देश व दुनिया में आ चुका है। हमें सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा घूमने फिरने के साथ भीड़ में जाने से बचना होगा। लोगों को चुनावी रैलियों में जाने से परहेज करना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर समीरन पांडा का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं पता कि हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितनी असरदार होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें इस बात में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन से कितना फायदा होगा।